दोस्तों बॉलीवुड फिल्मी जगत में कुल कितने कलाकारों ने पुलिस अधिकारियों की भूमिका निभाई है इस बात का अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि आज भी अगर हिंदी फिल्मों के परमानेंट पुलिस कमिश्नर के तौर पर किसी को पहचाना जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मशहूर अभिनेता इफ्तिखार ही हैं, जो आज भले ही इस दुनिया से दूर हों, लेकिन इनका पुलिस अधिकारी वाला किरदार कुछ ऐसा छाया था कि हर एक रियल पुलिस इंस्पेक्टर भी इन्हें सलामी देने से पीछे नहीं हटता था। इसलिए तो आज भी इफ्तिखार के बारे में हर कोई भली भांति जानता है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज भी इफ्तिखार की जिंदगी से जुड़ी ऐसी कई बातों से अनजान हैं आप, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको हिंदी फिल्मों के पुलिस अधिकारी इफ्तिखार के जीवन से जुड़े ऐसे ही अनसुनी बातों से रूबरू कराने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं इफ्तिखार की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। नंबर वन, हिंदी फिल्मी जगत में एक परमानेंट पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता इफ्तिखार का जन्म 22 फरवरी 1920 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के जलंधर शहर में हुआ था, जहां से इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की थी। बता दें कि अपने चार भाई और एक बहन में से सबसे बड़े थे, जिनका पूरा नाम सैयदना इफ्तिखार अहमद शरीफ था। नंबर दो, बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय फिल्म जगत के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुके अभिनेता इफ्तिखार एक फिल्म अभिनेता नहीं बल्कि एक चित्रकार और गायक बनना चाहते थे, जो मशहूर गायक कुंदनलाल सहगल किसे खूब प्रभावित थे। साथ ही इन्होंने एक चित्रकार बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से पेंटिंग का डिप्लोमा भी हासिल किया था। नंबर तीन, एक मशहूर गायक बनने के जज्बे ने इफ्तिखार को इतना प्रभावित किया था कि इसकी वजह से इन्होंने 20 के दशक में संगीतकार कमल दास गुप्ता द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए कोलकाता की यात्रा भी की थी। उस वक्त कमल दास गुप्ता HMV कंपनी में कार्यरत थे। नंबर चार, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इफ्तिखार को कोलकाता में रहना बेहद पसंद था, लेकिन उस दौरान भारत के विभाजन के वक्त हुए दंगे ने इन्हें कोलकाता छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें अपने पूरे परिवार के साथ बॉम्बे जाकर बसना पड़ा था। नंबर पाँच, बता दें कि इफ्तिखार सिर्फ अपने बोलने के अंदाज के लिए ही मशहूर नहीं थे, बल्कि इनका व्यक्तित्व भी बेहद लाजवाब था। इस वजह से दास गुप्ता इफ्तिखार के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपने एक अभिनेता के रूप में MP प्रोडक्शन के लिए इफ्तिखार के नाम की सिफारिश तक कर डाली थी। नंबर छह, दास गुप्ता के पसंदीदा होने की वजह से ही इफ्तिखार को उनकी पसंद यानी कि चित्रकला और गायन से बिल्कुल अलग अभिनय करने का मौका मिला था, जिन्होंने साल 1944 में आई फिल्म तकरार से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, पर इन्हें इस फिल्म में कुछ खास नोटिस नहीं किया गया था। नंबर सात, लेकिन इफ्तिखार को उनकी पहले फिल्म तकरार के कुछ सालों बाद एक बार फिर बॉम्बे टॉकीज के फिल्म मुकद्दर में काम करने का मौका मिला था और इस फिल्म में इनके किरदार को बेहद पसंद भी किया गया था। साथ ही इसी दौरान इफ्तिखार मशहूर फिल्म अभिनेता अशोक कुमार से भी मिले थे। नंबर आठ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्मों में पुलिस अधिकारी के तौर पर अपने सख्त अंदाज से सभी का खूब मनोरंजन करने वाले अभिनेता इफ्तिखार ने अपने करियर में तकरीबन 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें उनकी अधिकतर भूमिका एक पुलिस अधिकारी की ही नजर आई, जिसमें दीवार, जंजीर, शोले, एजेंट विनोद और इत्तेफाक जैसी कई सुपर डुपर हिट फिल्में शामिल हैं। नंबर नौ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी इफ्तिखार फिल्मी जगत के उन अभिनेताओं में से एक रहे हैं जिन्होंने कभी पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस कमिश्नर और कोर्ट रूम जज के साथ साथ चाचा और पिता जैसी कई अन्य भूमिकाओं से भी दर्शकों का खूब दिल जीता, जहां इनका देवा फिल्म में अभिनेता अमिताभ बच्चन को जबरदस्त फटकार लगाने वाला किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इन्होंने 40 से लेकर 90 के दशक तक अपने करियर को बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया और अपनी आखिरी सांस तक फिल्म इंडस्ट्री को सुपर डुपर हिट फिल्मों से नवाजा, जिनकी आखिरी फिल्म साल 1993 में आई काला कोट मूवी थी, जिसमें इन्हें प्रोफेसर खुराना के किरदार में देखा गया था। नंबर 10,
बता दें कि बॉलीवुड में खुद की परमानेंट पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपनी यादगार पहचान बनाने वाले अभिनेता इफ्तिखार अपने आखिरी दिनों में डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारी को फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने 75 साल की उम्र में मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली। पर फिलहाल भले ही ये हमारे बीच ना हो, लेकिन इनके द्वारा निभाया गया हर एक किरदार दर्शकों के दिलों में बरकरार है, जिसे चाहकर भी आज भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे हिंदी फिल्मी जगत के परमानेंट पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले इफ्तिखार के बारे में, और आप इनके किस किरदार के सबसे बड़े दीवाने हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।